हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सेंट्रल। मेरा नाम है समीर कुलकर्णी और आप सभी का मैं वापस से एक बार स्वागत करता हूँ आज के वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है बहुत ही सिंपल बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, विच इज फ्रॉम द चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो उस टॉपिक का नाम आपके सामने यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया है, वो है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ओके, या फिर सक्शन प्रेशर। सी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इट इज वेरी सिंपल बट इट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कई सारे के कंफ्यूजन्स होते हैं, है ना, इस कंसेप्ट से। तो अगर आप ये वीडियो लेक्चर कंप्लीटली अगर आप देखेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या फिर इसी को कहते हैं सक्शन प्रेशर। सो दिस कंसेप्ट डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इट वॉज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रेनर। साइंटिस्ट ने इस कंसेप्ट को सबसे पहली बार बताया था, बट उससे भी पहले इसी कंसेप्ट को जाना जाता था विद अनदर नेम एंड दैट वॉज सक्शन प्रेशर। दिस टर्म वॉज गिवन बाय मेयर। ओके, तो देखिए, याद रखना डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी एब्रिवेटेड फॉर्म, सक्शन प्रेशर का एब्रिवेटेड फॉर्म एसपी, बोथ आर वन एंड द सेम। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डीपीडी या एसपी दोनों में से किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं, वन एंड द सेम। तो ये पहली बात क्लियर हो गई, डीपीडी या सक्शन प्रेशर वन एंड द सेम। ऑलराइट, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो पहले तो हमको समझना है इस टर्म का मतलब क्या है, है ना। डीपीडी जो मेन टर्म हमारा है उसको हमको समझना है, डीपीडी। देखिए, मैं बहुत आसान तरह से आपको समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है, बहुत इजी है। ओके, ये जो टर्म है डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर डेफिशिएंसी। ये टर्म इंडिकेट करता है, दिस टर्म इंडिकेट्स वाटर डेफिशिएंसी। तो ये जो टर्म हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है, ये टर्म रिप्रेजेंट करता है वॉटर की डेफिशिएंसी, पानी की कमी। ओके, क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि देखिए ये जो डेफिसिट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, डेफिसिट ये वर्ड आता है एक सिंपल से वर्ड से, और वो सिंपल सा वर्ड है डेफिशिएंसी। ओके, डेफिसिट का अगर हमने थोड़ा सा मीनिंग समझा तो उसका मतलब है डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज की कमी, है ना। तो किसकी कमी, किसकी कमी पर्टिकुलरली, पानी की कमी। ओके, सो दिस टर्म सिंपली मींस पानी की कमी, डीपीडी इंडिकेट्स वाटर डेफिशिएंसी। और आसान भाषा में अगर हम बोले तो, वाटर डेफिशिएंसी को और आसान भाषा में बोले तो क्या बोले, प्यास, है ना, थर्स्ट। इंग्लिश में प्यास को बोलता है थर्स्ट। तो ये जो टर्म है, इस टर्म का बेसिक मीनिंग क्या है, वाटर डेफिशिएंसी। तो आई होप ये बेसिक सा टर्म आपको समझ में आ गया, डीपीडी का मतलब क्या है, वाटर डेफिशिएंसी, या फिर डीपीडी का दूसरा टर्म एसपी सक्शन प्रेशर, या डीपीडी का मीनिंग वाटर डेफिशिएंसी, ये इंडिकेट करता है पानी की कमी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए, डीपीडी इंडिकेट करता है वाटर की डेफिशिएंसी, पानी की कमी, थर्स्ट। ओके, तो अब किताबों में इसके बारे में क्या बोला गया है, इन डिफरेंट बुक्स व्हाट इज सेड अबाउट डीपीडी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये कहा जाता है कि हर लिक्विड का, ईच लिक्विड हैज अ स्पेसिफिक डिफ्यूजन प्रेशर, हर लिक्विड का अपना खुद का डिफ्यूजन प्रेशर होता है। इस हिसाब से अगर बात करें प्योर सॉल्वेंट की, अगर हम बात करें प्योर सॉल्वेंट मतलब 100% सॉल्वेंट जिसमें कोई सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं 100% प्योर वाटर, है ना। तो इसके बारे में बात करें तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है, दिस सॉल्वेंट हैज मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर। ये बात पहले क्लियर हो गई, प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। ओके, और डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब क्या है, बाय द वे डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब बहुत सिंपल है, इट इज नथिंग बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स with a tendency to move from a region of higher concentration to a region of lower concentration। और आप ये जानते हैं कि diffusion pressure exert होता है during diffusion,
डिफ्यूजन के दौरान जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कौन, डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स, जब कभी भी वो मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसी को कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। और डिफ्यूजन प्रेशर के मुताबिक एक बात आपकी क्लियर होनी चाहिए, हमेशा मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो डिफ्यूजन प्रेशर। ये तो कंसेप्ट आता है फ्रॉम डिफ्यूजन, दिस कंसेप्ट इज फ्रॉम डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू लोअर डिफ्यूजन प्रेशर। और एक रिलेशनशिप आप समझ लो, डिफ्यूजन प्रेशर जो है इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। जो भी डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन प्रेशर। वही तो बोला हमने, क्यों ऐसा बोला हमने हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू लोअर डिफ्यूजन प्रेशर, क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स का और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स का, इसीलिए डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू लोअर डिफ्यूजन प्रेशर। ये तो थोड़ा सा कंसेप्ट हमने आपको रिकॉल करा दिया, कौन सा कंसेप्ट, डिफ्यूजन प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स विद अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये अभी तक हमने देखा कि प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम, ओके, अगर प्योर वाटर है प्योर सॉल्वेंट है तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है। अब सपोज करिए इस सॉल्वेंट में अगर सोल्यूट्स ऐड कर दिए जाए तो, ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना, दिस इज क्लियर टू यू। अब किसी सॉल्वेंट में अगर ऐड कर दिए जाए सोल्यूट तो क्या बन जाएगा भाई, सोल्यूशन। तो आप एक बात समझ सकते हैं, सॉल्वेंट में जब कभी भी सोल्यूट ऐड कर दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं सॉल्ट या फिर शुगर, तो बन जाएगा सॉल्यूशन। तो अब आपको बताना है क्या डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। इस सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो होता है कम एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम, बताया था ना मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर होता है, बट सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर अगर हमने देखा गया तो सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर होता है कम, किसकी वजह से, ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स। जब कभी भी सॉल्यूट्स ऐड किए जाते हैं सॉल्वेंट में तो बन जाता है सॉल्यूशन और डिफ्यूजन प्रेशर घट जाता है सॉल्यूट्स के एंट्री की वजह से। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बोलती है, व्हाट इज डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज द डिफरेंस इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट whenever both are subjected to same atmospheric pressure। तो ये definition होती है, okay? तो standard definition क्या है, difference in the diffusion pressure of solvent and solution। तो ये definition है, standard definition तो ये होती है, क्या होती है, diffusion pressure deficit is the difference in the diffusion pressure of solvent and its solution whenever both are subjected to same atmospheric pressure। ये simple सा definition है, difference होता है diffusion pressure of pure solvent में और diffusion pressure of solution में, यही difference को कहा जाता है diffusion pressure deficit, ठीक है। but ये definition से बच्चों के questions solve नहीं होते हैं, application based questions इस definition से solve नहीं होते हैं, तो हमको थोड़ा और समझना पड़ेगा, आसान से आसान टर्म्स में हमको इसको समझना पड़ेगा ताकि आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व हो सके। डेफिनेशन हमने देख लिया, डीपीडी का मतलब समझ गए, डीपीडी का इंडिकेट करता है वाटर की डेफिशिएंसी, वाटर की रिक्वायरमेंट, पानी की प्यास, है ना। तो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना, ताकि आप समझ सकें। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्लियर हो गया, यस इट इज क्लियर। तो आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता दिया मैंने आपको, अब मैं आपको और थोड़ा समझाता हूं। सपोज करिए अगर हम बात करें डीपीडी की, अगर दो इंसान हैं, अगर दो इंसानों की बात हो रही है, एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, तो मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ वाटर, तो मेरा किसका वैल्यू बढ़ गया, डीपीडी का वैल्यू मेरा बढ़ गया, है ना, क्योंकि क्या इंडिकेट करता है डीपीडी, वाटर की डेफिशिएंसी, प्यास, रिक्वायरमेंट, तो मेरी डीपीडी की वैल्यू ज्यादा, तो मुझे किसकी नीड है, मुझे वाटर की नीड है कि नहीं, तो मेरी डीपीडी की वैल्यू ज्यादा है इसीलिए मुझे पानी चाहिए,
तो डीपीडी का मतलब क्या है भाई? पानी दीजिए, डीजे पानी दीजिए, यही मीनिंग है सिंपल से डीपीडी का। सो डीपीडी के हिसाब से बात करें तो डीपीडी हाई अगर इंडिकेट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा नीड है पानी की, है ना। तो इस तरह से अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर प्लांट्स के बारे में है, तो प्लांट सेल्स की बात करें, अगर दो सेल्स हैं, सेल ए एंड सेल बी, अगर ऐसे दो सेल्स हैं और अगर डीपीडी वैल्यू दे रखी है, डीपीडी वैल्यू इसकी, डीपीडी वैल्यू इसकी, इसकी 6 है, इसकी 12 है, तो मुझे बताइए पानी का मूवमेंट कहां से कहां पर होगा, क्योंकि सेल की बात हो रही है, मतलब सेल के अंदर हमेशा सैप होता है, सेल सैप, एंड सेल सैप इज नथिंग बट व्हाट, सेल का सॉल्यूशन, वीक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है सेल का सैप। तो सॉल्यूशन यहां पर भी है, सॉल्यूशन यहां पर भी है, बट डिफरेंस किस में है, वैल्यू ऑफ डीपीडी में। तो क्या आप गेस कर सकते हैं पानी का मूवमेंट कहां से कहां पर होगा? तो कंसेप्ट को समझिए, किसकी डीपीडी की वैल्यू ज्यादा है, इसकी डीपीडी की वैल्यू ज्यादा है, इसकी डीपीडी की वैल्यू कम है, मतलब प्यास किसको ज्यादा है, इसकी प्यास ज्यादा है, तो इसका मतलब है वाटर मूव करेगा यहां से यहां पर, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ये हमेशा याद रखना लाइफ टाइम तक, ओके। वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। इस तरह से एक और तरह से समझते हैं हम लोग, जैसे हमने डेफिनेशन में बताया, अगर एक प्योर सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को सेपरेट कर दिया जाए एक सिस्टम में बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, अगर हमने यहां पर प्योर सॉल्वेंट लिया है और यहां पर हमने सॉल्यूशन लिया है ना, और अगर हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया है बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो बताइए क्या होगा? बिल्कुल पानी मूव करेगा यहां से यहां पर, क्योंकि यह पानी की नीड में है, इसको प्यास है पानी की, तो पानी मूव करेगा यहां से यहां पर। इसका मतलब है एक और तरह से अगर हम बोले तो डीपीडी इंडिकेट करता है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, डीपीडी इंडिकेट्स वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कौन अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा पानी, वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा जो ज्यादा प्यासा है ना। अगर मैं ज्यादा प्यासा हूं तो मैं ज्यादा एफिशिएंटली ज्यादा कैपेसिटी के साथ पानी पी सकता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। इसीलिए दो कंक्लूजन हमने अभी तक निकाले डीपीडी के बारे में, अभी तक हमने दो कंक्लूजन निकाले बेसिकली। पहला कंक्लूजन क्या था? पहला कंक्लूजन था डीपीडी इंडिकेट करता है वाटर की डेफिशिएंसी, वाटर डेफिशिएंसी, है ना, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर डेफिशिएंसी। और तो और डीपीडी जो है वो इंडिकेट करता है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। सो जिसकी डीपीडी की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी। इस तरह से हम बोल सकते हैं वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। डीपीडी का इक्वेशन दिया जाता है, डीपीडी का इक्वेशन आता है सिंपल सा, वो इक्वेशन है डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डीपीडी। और आपको ध्यान रखना है इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर में से जब हम टर्गर प्रेशर को माइनस करते हैं तब वैल्यू निकल के आती है डीपीडी की। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन को समझते हैं, बहुत सिंपल है, देखिए दो टर्म्स बता रहा हूं, लाइफ टाइम तक याद रखना। ओके, तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स, हमेशा याद रखना। किसी भी सोल्यूशन की जब बात होती है तो उसमें जो सोल्यूट्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, और टर्गर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, टर्गर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट, मतलब जितना सॉल्वेंट ऐड करते जाओगे कौन सा प्रेशर बढ़ेगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। अगर सोल्यूट ऐड करते जाएंगे तो कौन सा प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक और हिसाब से अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं, बेसिक मीनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर का, बेसिक मीनिंग क्या है, एनी प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऐसा कोई भी प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कैसा प्रेशर है, ये वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस होने देता है ना, क्योंकि ये एक ऐसा प्रेशर है जो बिल्ड होता है ऑस्मोसिस होने की वजह से। अंदर अंदर सॉल्वेंट आएंगे तो टर्गर प्रेशर बढ़ता जाएगा, समझ गया ना, अपोजिट है दोनों भी, ठीक है। सो इसमें से अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो आती है वैल्यू ऑफ डीपीडी। ठीक है, बेसिकली बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या इन्फ्लुएंस है डीपीडी के ऊपर, टर्गर प्रेशर का क्या इन्फ्लुएंस है डीपीडी के ऊपर, लेट अस सी दैट।
वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ध्यान रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डीपीडी को बढ़ाता है। हम क्या देख रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का क्या इन्फ्लुएंस है, किसके ऊपर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के ऊपर। तो ये पता चला, ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है, एज द ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, डीपीडी ऑल्सो इंक्रीजेस, समझ रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या इन्फ्लुएंस है डीपीडी के ऊपर, इट कॉजेस एन इंक्रीज इन डीपीडी, ओके। व्हाइल टर्गर प्रेशर जो है, इट कॉजेस अ डिक्रीज इन डीपीडी, मतलब जैसे जैसे सॉल्वेंट आएंगे, है ना, टर्गर प्रेशर किसकी वजह से आता है, सॉल्वेंट की वजह से, अगर सॉल्वेंट्स आते जाएंगे तो डीपीडी की वैल्यू कम होते जाएगी। क्यों कम हो रही, समझ गए, क्योंकि प्यास बुझ रही है ना, मेरा डीपीडी का वैल्यू ज्यादा था, अगर मुझे पानी अवेलेबल होने लग गया तो मेरा डीपीडी का वैल्यू लो होता जाएगा, क्योंकि मेरी प्यास बुझ रही है, समझ रहे ना, मेरी प्यास एकदम सही तरह से फुलफिल हो रही है, इसीलिए डीपीडी के ऊपर टीपी का क्या इन्फ्लुएंस है, इट कॉजेस अ डिक्रीज, व्हाइल ओपी कॉजेस इंक्रीज इन डीपीडी। तो ये आप ध्यान रखना, दो बातें याद रखना, ओपी कॉजेस एन इंक्रीज इन डीपीडी, टीपी कॉजेस अ डिक्रीज इन डीपीडी, ठीक है। अब एक और बात, एक और विशेष बात, एक और विशेष बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमने देखा, अभी बोला हमने, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, और डीपीडी खुद किसके इन्फ्लुएंस में है, डीपीडी खुद इसके इन्फ्लुएंस में है, इसीलिए हम ये तो बना सकते हैं ना, डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि एन इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजेस एन इंक्रीज इन डीपीडी। सो हमने ये रिलेशनशिप बनाया कि डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, बट नाउ लेट अस फाइंड आउट द रिलेशनशिप ऑफ डीपीडी विद टर्गर प्रेशर। तो वो उल्टा है, डीपीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टर्गर प्रेशर, ये भी आप ध्यान रख लेना, ये दो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। जैसे जैसे टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, डीपीडी का वैल्यू कम होते जाएगा, समझ सकते हैं, एज द टर्गर प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डीपीडी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ये दो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और जो मैंने आपको बताया था पहले वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, टर्गर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये ठीक है, ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक है। डीपीडी का इन्फ्लुएंस टर्गर प्रेशर के ऊपर कैसा है, टर्गर प्रेशर कॉजेस अ डिक्रीज इन डीपीडी, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजेस एन इंक्रीज इन डीपीडी, ठीक है। अब हम डीपीडी के कंसेप्ट को समझते हैं दो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लांट की सेल्स दो स्थितियों में हो सकती है, तो वो दो स्थितियों को हम समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू डीपीडी। तो लेट अस अंडरस्टैंड टू कंडीशंस, अगर कोई सेल फ्लैसिड है, फॉर अ फ्लैसिड सेल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डीपीडी, डीपीडी की वैल्यू क्या होगी हमको पता करना है, वी हैव टू फाइंड आउट, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। फ्लैसिड सेल की बात करें तो डीपीडी की वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए हमको स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, इक्वेशन के साथ। इक्वेशन क्या है, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस डीपी। तो फ्लैसिड सेल की जब बात हो रही होती है तो आप ये बताना बस, क्या फ्लैसिड सेल के ऊपर टर्गर प्रेशर एक्ट होता है, बिल्कुल नहीं। तो हम ये कह सकते हैं वैल्यू ऑफ डीपीडी फॉर अ फ्लैसिड सेल इट इज इक्वल टू डीपीडी इक्वल्स टू ओपी, क्यू, सिंस टर्गर प्रेशर इज जीरो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डीपीडी फॉर अ फ्लैसिड सेल। एक फ्लैसिड सेल के लिए डीपीडी की वैल्यू क्या होती है, डीपीडी की वैल्यू इक्वल होती है टू ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि उसके ऊपर एक्ट कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें किसी भी तरह की एंट्री नहीं हो रही है, किसकी, सॉल्वेंट की, तो टर्गर प्रेशर जीरो। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर अ फ्लैसिड सेल। नाउ लेट अस टेक अनदर केस फॉर अ टर्जिड सेल, फॉर अ फुल्ली टर्जिड सेल, अगर प्लांट सेल्स की बात हो रही है, अनदर कंडीशन के बारे में बात करते हैं। फॉर अ फुल्ली टर्जिड सेल, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर अ फुल्ली टर्जिड सेल, अगर हम टर्जिड सेल की बात कर रहे हैं, तो टर्जिड स्थिति कौन सी स्थिति से आई, फ्लैसिड स्थिति से। तो देखिए, जब कोई सेल फ्लैसिड स्टेट में थी, व्हेनेवर अ सेल वाज इन फ्लैसिड स्टेट, तो उसके ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा था, टर्गर प्रेशर। सपोज करिए ये फ्लैसिड सेल है, ओके, टर्गर प्रेशर इज जीरो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्टिंग। अब इस सेल में अगर लगातार पानी की एंट्री होना शुरू हो जाए, है ना, अगर उसके ऊपर उसमें पानी अगर एंटर होना शुरू हो जाए, तो कौन सा प्रेशर बढ़ेगा, आप बताओ,
टर्गर प्रेशर है ना, मैंने बताया था ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की वजह से किसका प्रेशर बढ़ता है, टर्गर प्रेशर. सो एज द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट अकर्स, टर्गर प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजिंग, टर्गर प्रेशर इंक्रीजिंग, तो ये बढ़ता जाएगा तो ये कम होता जाएगा. और एक स्थिति आएगी जब ऑस्मोटिक प्रेशर विल बिकम इक्वल टू टर्गर प्रेशर, ऐसी स्थिति अगर आ जाए है ना विद द इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर, व्हाट विल हैपन, ऑस्मोटिक प्रेशर विल बिकम इक्वल टू टर्गर प्रेशर एट दिस स्टेट. इस स्थिति में एंट्री ऑफ वॉटर इन टू द सेल वुड स्टॉप. नाउ नो मोर वॉटर इज गोइंग टू एंटर इन साइड द सेल. ये स्थिति कहलाती है फुल्ली टर्जिड सेल. अब अगर तू कितना भी पानी पिलाओ, इसकी प्यास बूझ चुकी है, मतलब अब ये कोई पानी स्वीकार नहीं करेगा. इट विल नॉट अक्वायर एनी मोर वॉटर. व्हेन विल दिस हैपन, व्हेन द इंक्रीजिंग टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू डिक्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर. दिस इंक्रीजिंग टर्गर प्रेशर व्हेनेवर इट बिकम्स इक्वल टू डिक्रीजिंग टर्गर प्रेशर एट दैट टाइम द एंट्री ऑफ वॉटर इन टू द सेल वुड स्टॉप एंड दिस मीन्स दैट इट्स थर्स्ट हैज बीन फुलफिल्ड. उसकी प्यास बूझ चुकी है और उस समय डीपीडी की वैल्यू क्या आती है भाई, जीरो. क्यों? क्यों? सिंस ओपी हैज बिकम इक्वल टू टीपी. सिंस ओपी हैज बिकम इक्वल टू टीपी, द वैल्यू ऑफ डीपीडी विल बिकम जीरो. सो इस तरह से आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे. फॉर अ फ्लैसिड सेल द वैल्यू ऑफ डीपीडी इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर and for a fully turgid cell the value of dpd is zero because its thirst has been fulfilled. uski pyaas boojh chuki hai isiliye uski dpd zero ho jati hai. to ye ek important equation tha aur iske previous wala jo maine bataya tha dpd equals to op for a flaccid cell. to ye do equations important the. to ye aapko clear ho gaya kya hai matlab dpd ka, samajh gaye, water absorption capacity hai na, aur to aur water ki deficiency, jo zyada water deficient hai वो अपने अंदर उतनी अच्छी क्षमता से पानी की एंट्री अलाउ करेगा. ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल वाला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. ठीक है, हो सकता है आपने सॉल्व किया होगा. तो सपोज देर आर थ्री सेल्स, एक के बाद एक थ्री सेल्स है सपोज. तो सपोज ये ए सेल है, ये बी है और ये सी सेल है. ओके, तो इनकी कुछ वैल्यूज दे रखी है आपको क्वेश्चन में. सपोज ए का ओपी टीपी दिया हुआ है आपको 8 दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर दिया है 6. ऑस्मोटिक प्रेशर इसका दिया है 9, टर्गर प्रेशर इसका दिया है 4, 5. ओके, और इसकी सपोज करिए ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है 10, टर्गर प्रेशर दिया है 6. तो आपको पूछा है हाउ विल बी द वॉटर मूवमेंट, विच सेल टू विच सेल वॉटर विल मूव, किस तरह से वाटर का मूवमेंट होगा. चार ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है. तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है. देखो एक एक को सॉल्व करो, पहले सेल ए के लिए सॉल्व करो, 8 - 6 बिकम्स 2. सॉल्व कर लिया, ये डीपीडी निकल आई किसकी, ए की. कौन से फॉर्मूला सॉल्व किया हमने, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी. इस फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम. ओके, सो ओपी माइनस टीपी, 8 - 6 बिकम्स 2, 9 - 5 बिकम्स 4, 10 - 6 बिकम्स 4, है कि नहीं. तो सॉरी, हाँ अच्छा, इसको चेंज कर देते हैं ताकि आपके लिए क्वेश्चन और थोड़ा सिंपल हो जाए, ताकि आप इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं. ओके, अच्छा चेंज कर देते हैं इसको वापस से एक बार, ताकि आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट ना हो. ओके, तो अगर सपोज करिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे 16 दिया हुआ है और यहां पे 8 दिया हुआ है, तो 16 में से 8 निकलते हैं तो कितना बचता है, 8, है ना. तो ये आपको वैल्यूज दिए गए हैं, आपने आंसर निकाल लिया है ना, आपने डीपीडी के आंसर निकाल लिए, इसका 2 है, इसका 4 है और इसका 8 है. अब आपको बताना है कि मूवमेंट किस तरह से होगा, कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी. सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करना है, वॉटर विल मूव फ्रॉम a cell whose value of DPD is low to that cell whose value of DPD is high. तो कहां से कहां पर बताइए, बिल्कुल सही, A से B, है ना, या फिर इसकी low है इसकी ज्यादा है, मतलब B से C and finally A to C. So the answer is going to be
A to B, B to C and A to C. This is going to be your answer. कैसे देखो? Low DPD to high DPD. बराबर? Low DPD to high DPD and low DPD to high DPD. सिंपल से. तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं. इस तरह से आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो ये सिंपल सा एग्जांपल लिया हमने. ऐसे क्वेश्चंस और सॉल्व करिए आप, ताकि आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए. अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना. बाय बाय.